हमारे YouTube चैनल माई सीजी एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं आज आपको व्यापम में संविधान से बार बार आने वाले प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है जो व्यापम में बार बार आ चुके हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो जो अगले वीडियो में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको आपके मेल में पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है निर्वाचन आयोग। जनरली व्यापम और पीएससीज में आयोग के गठन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि इनका गठन किस अनुच्छेद से हुआ है या किस इंस्टीट्यूशन का गठन किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है। तो अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 324 द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कुछ आयोग के गठन का बताऊंगा। जैसे 280 आर्टिकल के द्वारा वित्त आयोग का गठन होता है, आर्टिकल 315 से लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन होता है, आर्टिकल 244 द्वारा राज्य भाषा आयोग का गठन होता है। सभी हमने देखा कि 324 द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है? तो हमको हमारा क्वेश्चन है कि कौन से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसका आंसर देखते हैं। भारत में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद इन राज्यों में है, 7 राज्य है टोटल, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। इनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है, छत्तीसगढ़ में केवल एक सदनी है और वो विधानसभा है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में ही विधान परिषद है। पूरे भारत में केवल 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, द्विसदनी है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, और वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो है आम का बीज उत्तम है। इसको याद करने के लिए आप इस ट्रिक के सहारे याद रख सकते हैं। आ से होगा आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, का से कर्नाटक, बी से बिहार, ज से जम्मू एंड कश्मीर, उ से उत्तर प्रदेश, त से तेलंगाना। यहाँ म जो है वो साइलेंट है, म और है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिक भी बहुत आसान है। इस ट्रिक के सहारे आप इसको याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं, आम का बीज उत्तम है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बताया है। इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन पहला था, कौन 13वां राष्ट्रपति था, कौन वर्तमान में है, उसका नंबर क्या है, 14वें नंबर का राष्ट्रपति कौन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप ध्यान से याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति कौन से सभा का पदेन सभापति होता है? तो उसको आप याद रखिएगा, राज्यसभा का वो पदेन सभापति होता है। लोकसभा के सभापति को हम लोग स्पीकर कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, वो पदेन नहीं होता है, उसका इलेक्शन होता है। लेकिन राज्यसभा में का जो सभापति होता है या अध्यक्ष बोल सकते हैं, उसका इलेक्शन नहीं होता है, वो हमेशा उपराष्ट्रपति ही होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो इसको आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान में के 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा देश गणतंत्र कब बना? तो हमारा देश गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वह व्यवस्था जिसमें राष्ट्र का प्रमुख चुनाव द्वारा निर्वाचित होता है क्या कहलाता है? तो उस व्यवस्था को हम गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें किसी देश का राज्य प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख इलेक्शन द्वारा चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। जैसे भारत का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति है, उनका भी निर्वाचन होता है, चुनाव होता है,
वो डायरेक्ट चुनाव ना होता हो, इनडायरेक्ट चुनाव होता है, लेकिन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसका भी इलेक्शन होता है, लेकिन इसलिए वो गणतंत्र है। लेकिन ब्रिटेन में का राष्ट्र प्रमुख का इलेक्शन नहीं होता है उमन, इसलिए वहां गणतंत्र नहीं है। आगे चलते हैं, भारत में प्रशासन किन क्षेत्रों में विभाजित है? तो भारत में केंद्र और वह राज्यों में विभाजित है। ठीक है, दो तरह के शासन होते हैं ना, दो तरह के सरकारें होती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार, तो दो तरह से विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार संघ एवं राज्य के लेखा परीक्षण से संबंधित प्रभारी कौन है, किन्हें कहा जाता है? तो ये सीएजी को कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता ही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 74(1) की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर मंत्रिपरिषद है। सिर्फ आर्टिकल आप ध्यान से देखिएगा और उससे रिलेटेड आंसर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य ना रहते हुए भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो वो महान्यायवादी है। ये एग्जाम में आ चुका है, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा कि वो सदन का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वो है महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय नीचे की ओर कौन सा रंग रखा जाता है? तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, नीचे की ओर कौन सा रंग होता है, वो हरा है। तो हरा से रिलेटेड मैंने यहां पर कुछ लिखा भी है, भारतीय ध्वज के सबसे निचले भाग को हरे रंग से डिजाइन किया जाता है, जो देश की विश्वास, फलदायकता और समृद्धि को दर्शाता है। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार हरा रंग स्थिर और त्योहारों का प्रतीक है, जो देश की जिंदगी और खुशियों का प्रतीक करता है। इसके साथ ही यह धरती की हरियाली को भी दर्शाता है। आप लोग हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सारे रंग और रंग का मीनिंग, क्यों उस रंग को रखा गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, वो एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच में कड़ी के रूप में और उन्हें जुड़ने का काम करता है, क्योंकि राज्यों में राज्यपाल का नियुक्ति केंद्र द्वारा राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर केंद्र ने राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में किया है, तो राज्यों और केंद्र को जोड़ने का काम राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब स्टेट जो यूपीएससी होता है ना, स्टेट लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पदच्युत, मतलब रिमूव कर सकता है या करता है? तो इसका आंसर राष्ट्रपति होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सेलेक्ट कौन करता है, तो इसका आंसर राज्यपाल होगा, लेकिन राज्यपाल उनको पदच्युत नहीं कर सकता, इसको पदच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नियुक्ति कोई और करता है, राज्यपाल करता है, और पदच्युत राष्ट्रपति करता है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो इसका आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल जी प्रथम भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, याद रखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।